मणिपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर भारत ने अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी के वक्त को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत मणिपुर में अकलीती तबके पर मोदी सरकार के पुरतशद्दुद वाक़यात का जायजा लेने के लिए आ रहे अमरीका के मजहबी आज़ादी कमीशन के वफद को भारतीय हुकूमत ने वीज़ा मुस्तरद कर दिया है। मोदी सरकार की जानिब से वीज़ा मुस्तरद किए जाने वाले बैन अल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के अमरीकी कमीशन के 3 मंदूबैन में से एक पादरी थॉमस रेस ने अमरीकी टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि हम मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हैं ताकि हम इस मुल्क में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल के असल हकाइक और हालात जान सकें। हम किसी मुल्क का दौरा करके वहाँ के मजहबी रहनुमाओं शहरियों से बातचीत करते हैं और फिर हुकूमती रहनुमाओं से भी मुलाकात करते हैं ताकि सूरत हाल पर उनका तबसरा भी मद्देनजर रहे। अमरीकी वजारत खारजा ने भारतीय हुकूमत की जानिब से रवा हफ्ते मणिपुर के दौरे के लिए आ रहे मजहबी आज़ादी के अमरीकी कमीशन के वफद को वीज़ा जारी न करने पर अफसोस का इजहार किया है।